यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ लग गया था जाम बेसिकली, अब भी क्लियर हुआ बस 5 मिनट पहले ही, 5 मिनट क्या 2 मिनट पहले खड़े थे हम लोग 10 से 15 मिनट से। क्या ब्यूटीफुल होटल है। जो है हम लोग की हाइट है वो है 10,000 फीट। मीटर कितना है? तकरीबन 3160 मीटर। तकरीबन 10,000 फुट। यहाँ पे रुक रहे थे अभी हम, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने। इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स, और ये आप देखिए ओक ट्री, पूरे ही ओक ट्री है, वो ग्रीन वैली बोलते हैं। अभी हम लोग हैं दीपक ताल, नहीं मतलब दीपक दाल, दालमिल नहीं, दीपक ताल, दीपक ताल। और ये आपको यहाँ से देखिए क्या आपको दिख रहा होगा, वो नीचे देखो आप पानी कितना शानदार। से कोई पत्थर गिरता है ना उस बिल्कुल गोली की तरह आता है, गोली की तरह। थैंक यू बी आर। बंद होती हटाऊंगी वाला नहीं हटेगा, हटेगा चलो अलग करते हैं।
चलो रूम भी हटवा रहे हैं तो अकेले पैर भाई जाने दो जाने दो जाने दो बहुत दूर है बहुत दूर है। हम लोग आ गए थे टांडी ब्रिज पे। और अभी हॉट सीट पे है अपने वैभव, नहीं तो फिर मैं बोलता सौरभ। सौरभ को हिचकी आ रही होंगी कसम से, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं भाई को। चलो इसी बहाने एक भाई और याद आ रहा है। लेकिन जो यहाँ से दूरी है वो है ओनली सिर्फ हमारे लिए 334 किलोमीटर, क्योंकि ड्राइविंग हमारा पैशन है। इसीलिए बाकी जो ड्राइविंग कर पाए वो ले बाइक से जाए, तो फ्लाइट 1600 रुपये की फ्लाइट कटे दिल्ली से और पहुँचे ले और वहाँ से उठाएं बाइक कार रहे। और जिनको ये एक्सप्लोर करना हो बिल्कुल आ सकते हैं, स्वागत है उनका हिमाचल प्रदेश की वादियों में और लेह लद्दाख की घाटियों में। काजा और स्पीति वैली जाना है बिल्कुल। सुबह बोला भी था स्पीति चल रहे हैं। नहीं भैया हमको नहीं जाना है, नहीं भैया हमको नहीं जाना है, झूठ बोल के ऊपर पेट्रोल पंप आ तो रहा है, दिखा रहा है ये वो शायद पुराना होगा और ये अभी ये नया होगा, तभी वो मिटा दिया। हाँ तो कल भैया ने बताया भी था ना किलोंग में है पेट्रोल पंप, ये होगा किलोंग का लास्ट पेट्रोल पंप मेरे हिसाब में। गाड़ी खींची Mm-hmm.
ये हमारे पंकज भैया ड्राइव करते हुए, शानदार ड्राइव करते हैं भैया हमारी। ड्राइवर ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, कोई भी घाटी चढ़ा दो, कोई भी पहाड़ चढ़ा दो। हमने आपको पेटीएम नहीं किया है, आप हमारी तारीफ ना करें जी। ओके नहीं नहीं, जो सच है वो बता रहे भैया, पेटीएम करने के बाद बोला जाता है, तो कर दीजिए पेटीएम भैया अभी नहीं। ओके अभी आ गए हम लोग ऑलमोस्ट जिस्पा, और हमने अभी कैंप की लोकेशन एक अभी देखी है, जो वैभव भाई हमारे सौरभ भाई के छोटे भाई पहले आ चुके हैं, गुरमुख अंकल के लड़के माकी जाब्रान और भाव भाव किराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नरसिंहपुर। मोबाइल नंबर बीप 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 बीप। अभी दिखाते हैं हम आपको अपनी लोकेशन जहाँ हमारे भैया ने ढूंढी हुई है। ये रेड हैंड वाले ना, ये आपको जो दिख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये रेड कलर के जो हट बने हुए हैं, जिस्पा। आप लोग प्लीज मारिएगा नहीं पत्थर उठा के मेरे को। जल्दी थोड़ा जी जी, यहाँ एक पत्थर फेंक ले बस, मेरे हाथ में दर्द हो गया, ऐसे फेंकते हैं। कैंप बंद है, कैंप खुला होता है मजा आ जाता है।
जो हमारी गाड़ी आई है नॉर्मल टू व्हील पे ही आ गई। ऊपर कोई भी नहीं दिख रहा, ऊपर भी कोई दिख जाएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा हमको यहाँ पे। होगा ये कि हम सामने साइड जाके कैंपिंग कर लेंगे और कुछ सर्विस हमको इस साइड से अवेलेबल हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। पार्किंग इन एंड वॉशरूम है ना, ये भैया देखे हमको, भैया नहीं छोटे भैया है, ये दीदी है, छोटी दीदी, दीदी से बात करते हैं। ये सब बंद है क्या, ये सब बंद है क्या, ये होटल्स वगैरह खुली हुई है, खुली हुई है। यहाँ से जिप्पा कितनी दूर है? ठीक है वहां पे मिल जाएगा सब कुछ। नहीं लेकिन यहाँ पे भी देखो ना, चेयर रखी हुई है, सामान रखा हुआ है। वो तो किसी का रेसिडेंट है, लिखा बेस्ट लोकेशन विस्टा 1010 रेस्टोरेंट, लेट्स गो देयर। ओके चलो, हमारे नितिन भैया गए हुए हैं कुल्लू जो हमारा यहाँ पे एडवेंचर पूरा देखते हैं और पूरी व्यवस्था वो करवा देते हैं वैसे, तो इसलिए हमको परेशान होना पड़ रहा है। मतलब ये आप जो एक बर्फ देख रहे हैं ना इस साइड, ये इस साइड पहाड़ की नहीं है, ये एक्चुअली बेसिक में जो इस साइड से तूफान आता है ना तो वो आपको इस रूट का ये जो बर्फ आती है इस इधर आ जाती है। मतलब आप सोचिए तूफान की क्या स्पीड होती होगी कि बर्फ यहाँ तक आ जाती है। हाँ और इस साइड आपको कोई भी बर्फ नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये बेसिकली जो इस साइड से जो स्टोन आते होंगे विंड स्टोन उसके थ्रू ये यहाँ पर आ जाती होगी। और जिप्सा है यहाँ से 3 किलोमीटर, डार्चा यहाँ से 9 किलोमीटर, बारह लाचला 54 किलोमीटर, सारचू 86 और लेह जो है यहाँ से। वर्किंग चल रही, निकल जाएगी अभी हम लोग आ गए कर्मा में, कर्मा कॉटेज। तो बेसिकली बात करते हैं भैया आपसे और अभी आपको अपडेट देते हैं और एक बार अंदर ओवरऑल व्यू भी दिखाएंगे हम आपको कैसा व्यू है। हाँ मजा तो 10x है। अभी हम लोग रुके हैं कर्मा कॉटेज जिप्सा में, यहाँ पे हमने ले लिया एक रूम और एक में करेंगे हम कैंपिंग अपनी और गाड़ी पार्क हो गई यहाँ पे। फूड भैया प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे करने वाले हैं अब हम लोग कैंपिंग और बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू और बस जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पे MP49 एक्सप्लोरर, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।